हाय दोस्तों, डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर। आज हमारे पास गुड़िया हैं साक्षी, जो इनको एडिनोइड और टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी, एंड इनके फादर हैं। सबसे पहले इनके फादर से ही पूछेंगे कि भाई इनकी क्या जर्नी थी, कैसे ये आए और अभी सर्जरी के बाद में कैसा फील कर रहे हैं, बताओगे संदीप जी आप अपनी। हाँ, मेरा नाम संदीप कुमार सैनी है। ये मेरी बेटी है साक्षी सैनी। ये मुंह से सांस लेती थी और रात में खर्राटे भी लेती थी। तो मैंने जब पता किया तो मेरे को सर का एड्रेस मिला, सर के बारे में बताया गया, तो मैं यहाँ पे आया। अब इसकी सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद ये अब नाक से सांस लेती है, मुंह से सांस लेना बंद कर दिया है और अब ठीक है। अच्छा संदीप जी, एक चीज़ बताओ। देखो, लोगों में बड़ा, जैसे हमारी भी गुड़िया बिल्कुल छोटी है, लोगों में बड़ा एक डर होता है कि इतने छोटे बच्चे का कैसे ऑपरेशन होगा, बाहर से कोई चीरा लग जाएगा, बाहर से कोई निशान आ जाएगा, बच्चा कैसे होगा। आप लोगों को क्या बताना चाहोगे, देखो, क्योंकि आपने ऑपरेशन करा लिया इस बारे में। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह अंदर से सब कुछ होता है, बाहर से कोई चीरा वगैरह नहीं लगता है। यस, सो दोस्तों, जैसे संदीप जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि इसमें क्या है, कहीं बाहर से कोई चीरा या बाहर से इंसिजन नहीं होता। हम उस बच्चे की बीमारी को क्या है, इस डर के मारे क्या है, जो है वो लंबे समय तक चलाते रहते हैं। आपका बच्चा 4 साल से ऊपर है, मुंह से सांस लेता है, एंड उसकी डेंटल स्ट्रक्चर ऊपर नीचे है, बार बार कान में दिक्कत होती है, तो उसको तुरंत क्या है, एडिनो टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी होती है, वो करानी चाहिए। जैसे आज इस गुड़िया का देखो, आपकी अभी इसका करीब 1 महीना हो गया, आज 10 दिन। 10 दिन, हाँ आज 10 दिन हुए हैं। 10 दिन पे आप देखो, ये आज बेटा क्या क्या खाया आपने, सुबह चाय पी, क्या साची क्या खाया सुनाओ। लुक दैट द चाइल्ड इज नॉर्मल, सो ऐसा इसमें कोई घबराने की, टेंशन की, चिंता की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि ये एंडोस्कोपिक होती है प्रोसीजर, बाहर से नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, आगे नहीं तो बच्चा जो है वो कई सारे दुष्परिणाम इसके होते हैं, जैसे संदीप जी को हमने बताया, संदीप जी ने तुरंत जो है इसका ट्रीटमेंट कराया, आगे जो है अब हमेशा के लिए दिक्कत खत्म हो जाती है, ये वापस नहीं होता। लोगों में ये भी मिथ होता है कि ये बार बार होता है, अब जैसे इसका अच्छी टेक्निक से कर दिया तो ये वापस दोबारा दोस्तों नहीं होता। थैंक यू।